मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने और पीएम मोदी के जन्मदिन को आज भाजपा ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की तरफ से उन्हें बधाई दी गई। इसके बाद प्रदेश महामंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 15 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं से देश के अंतिम छोर तक विकास की अलख जगाने का काम किया है। इसके अलावा उनके तीसरे कार्यकाल में भी अभूतपूर्व कार्य और विकास की नई योजनाएं आई हैं, जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। आज मोदी जी के जन्मदिवस के मैं मोदी जी को और अपने पूरे देश को मोदी जी की के लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि आज वो 74 वर्ष के पूरे हो गए हैं और मैं माननीय मोदी जी के लिए एक भगवान से, केदारनाथ से अब मैं उम्मीद करूँगा कि आशीर्वाद की उम्मीद करूँगा कि वो हमेशा निरंतर हमारे देश का नेतृत्व करते रहें, हमेशा यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है उसको लेकर आज प्रेस का आयोजन हुआ है और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी योजनाएँ मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपये की का जो आज का जो उन्होंने खाका बनाया है, 15 लाख करोड़ रुपये का जो हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र को आज उन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर आदमी को कुछ ना कुछ देने का काम 15 लाख करोड़ रुपए से 100 दिन के अंदर मोदी जी ने किया है। मैं ऐसे नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो अंत्योदय की बात को ध्यान में रखते हुए लगातार देश को विकसित करने की ओर ले जा रहे हैं। इतना मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ।